हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। 9 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं 10th क्वेश्चन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हियर इज द क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। वन बाय एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में जब भी टर्म आती है तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्या करें। अब अंडर रूट देख के कई बार ये भी आइडिया मिलेगा कि हम रेशनलाइज कर दें, बट रेशनलाइजेशन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऊपर जाकर वो अंडर रूट रह जाएगा और नीचे भी एक्स की ही टर्म आ रही है कॉन्स्टेंट में, तो ये फिर भी मेथड सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा। तो फिर वही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो क्या करें। देखिए, जो एक्स है हमारा, मैं आपको बता दूं कि एक्स का मतलब क्या है। एक्स का मतलब है रूट एक्स का स्क्वेयर। क्यों? रूट एक्स का क्या मतलब होता है? एक्स की पावर 1/2 का स्क्वेयर, ठीक है ना भाई। इसको हम एक मिनट के लिए निगलेक्ट कर दें तो एक्स का मतलब मैंने क्या किया कि 2 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगी, पावर तो एक्स ही तो रह जाना है। तो ये बन गया रूट एक्स का स्क्वेयर, रूट एक्स का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर का क्या मतलब होता है? स्क्वेयर का मतलब होता है कि एक ही टर्म को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करना। तो हमने रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ जाता है। तो एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स, क्लियर। या हम उसे रूट एक्स का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो ये क्यों बताया मैंने कि ये हमारे पास क्या है, 1/x − √x। तो यहाँ रूट एक्स दो बार आ रहा है और यहाँ एक बार आ रहा है, तो हम इनमें से डिनोमिनेटर में से इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ही रूट एक्स को कॉमन लेंगे, क्लियर। ये हो जाएगा 1/, यहाँ तो रूट एक्स कॉमन आ गया, यहाँ दो बार था रूट एक्स, एक बार रह जाएगा रूट एक्स, और माइनस में ये पूरा रूट एक्स बाहर चला गया, तो ये हमारा बन जाएगा 1 dx, क्लियर। ये बात समझ आई आपको कि हमने क्या किया है कि यहाँ से रूट एक्स को कॉमन लिया है इंटीग्रल के साइन के अंदर ही, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये बच जाएगा रूट एक्स माइनस 1 dx, ओके। अब जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ फॉर्मूलाज वैसे भी लर्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसे हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होती है? 1/2 √x। आप इसको x की पावर 1/2 रख के डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, यही आएगी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√x की फॉर्म में आता है ऑलवेज, और ये तो रूट एक्स हो गया, और ये 1/√x हमारा, देखिए ये तो रूट एक्स माइनस 1 हो गया, और 1/√x हमारा क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव। तो अब हम यहाँ क्या करें, हम करते हैं पुट। रूट एक्स अकेले को नहीं रखना, फिर वो टी माइनस 1 साथ साथ चलेगा, इस कंप्लीट टर्म को ही आप टी पुट कर। भाई ना आइडिया है तो आप केवल रूट एक्स को भी टी कर सकते हो, तो यहाँ टी माइनस 1 बन जाएगा आंसर, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर। आप कोई भी मेथड ले, सेम ही है। तो पुट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएटिंग, ये बन जाएगा 1/2 √x, 1 की 0 डेरिवेटिव, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए हमारे पास यहाँ 1/√x है, 2 नहीं है, तो 2 को राइट साइड में ले जाओ, 1/√x डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt, क्लियर। ये जो टर्म है, एक ये और एक ये, इनको यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ओके, कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेट, देखिए अब आपको मेरे ख्याल समझ आने लगा होगा कि ये टर्म हमने t रख दी है, ये डिनोमिनेटर में t है, 1/√x dx, 1/√x, ये और ये मिलकर पूरा क्या बन जाता है? 2 dt, 2 इज ए कॉन्स्टेंट, टेक इट आउट, 2 बाहर आ जाएगा, 1/t dt, बहुत बहुत बार हम इसको कर चुके हैं 1/t को, तो 2 log mod t + c, t को सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप, 2 log mod √x − 1 + c आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर शुरुआत हमें देखनी है जहाँ हम परेशान होते हैं, शुरुआत में हमें दिक्कत आती है बस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। I इज इक्वल टू x/x + 4 का अंडर रूट dx। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ये जो हमने लास्ट में, हमारा 7th क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में, जहाँ हमारी x की √x + 2 से प्रोडक्ट थी, ठीक है।
यहाँ x का x प्लस फोर के रूट से डिवीज़न है, तो सिर्फ आइडिया दूंगी, पुट x प्लस फोर इज इक्वल टू t, तो ये जो x है ये t माइनस फोर बन जाएगा हमारा, क्लियर। और आप dx हमारा क्या बन जाएगा, dt, और डिनोमिनेटर में इसका अंडर रूट आएगा, आप डिवाइड करेंगे एंड यू विल सॉल्व, तो प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ, नहीं आता है देन टेल मी, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, I इज इक्वल टू, देखिए ये मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, जल्दी तो नहीं लग रहा कि x की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी t माइनस फोर, ऊपर दो टर्म आ जाएंगी, नीचे हमारा आ जाएगा रूट t, क्योंकि हमने इसको t रखा है, जब ऊपर दो टर्म है और नीचे एक है तो हम डिवीजन इजीली कर सकते हैं दोनों को सेपरेट करके, सेपरेट करेंगे दो टर्म्स आएंगी उन्हें इंटीग्रेट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाय थ्री एक्स की पावर फाइव डी, ये बड़ा देखने लायक क्वेश्चन है, मुश्किल ये बिल्कुल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट कैसे करें, देखिए एक तो कोशिश ये किया कीजिए कि जो ये इस तरह की पावर सर्ड जिन्हें हम बोलते हैं 1/3, 1/2, 1/5 जो रैशनल पावर आती हैं उनके अंदर की टर्म को अगर हम गायब करें, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने सीखा है कि x की पावर n के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ए एक्स प्लस बी की पावर n के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन अगर x क्यूब प्लस 5 की पावर n आ गई है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अभी हमने नहीं देखा है, ये लीनियर होगा पावर तभी चलेगी, क्लियर। तो इस पे हम फोकस करें, तो ये तीन है, मैं तीन वाली टर्म को जब हम पुट करेंगे तो डेरिवेटिव टू में आना चाहिए, और ये क्या है, ये तो पाँच है, पाँच है ना, लेकिन पाँच में से अगर हम तीन टर्म अलग कर दें और दो अलग कर दें, भाई x इज टू पावर 5, वी कैन राइट इट एज x इज टू पावर 3 इंटू x इज टू पावर 2, ये आठवीं नौवीं में नाइन्थ में हमारा आ जाता है कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर जुड़ जाती हैं, तो ये तीन जमा दो कितना बन जाएगा x की पावर 5 ही तो बनेगा ये हमारा, ओके। तो इसको पहले हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई राइट इट एज एक्स क्यूब माइनस वन इज टू पावर वन बाय थ्री एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसको मैंने दो पार्ट्स में लिख दिया, क्लियर। अब हम इसको टी पुट करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो स्क्वेयर में जाएगा, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली डी टी बन जाएगी, पुट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर वन का जीरो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, फिर वही कॉन्स्टेंट आ रहा है तो इसको रखेंगे एक्स के डी एक्स को, थ्री को नीचे ले जाएंगे, एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय थ्री। नाउ कम टू आवर मेन क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, तो हम एक बार पुट करने से पहले देखते हैं कैन वी डू, तो इसको हमने टी रखा तो टी की पावर वन बाय थ्री, ओके, देन एक्स क्यूब, भाई एक्स क्यूब तो नहीं आया, एक्स क्यूब यहाँ से आएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस, इसकी भी वैल्यू आ गई, और ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा यहाँ से बन रहा है डी टी बाय थ्री, तो इस वैल्यू को और इस तीनों को हम आई में पुट करेंगे, तो आई हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ आप पुट कीजिएगा, ये देखिए यहाँ ये बनेगा t की पावर 1/3, जब आप इसे पुट करेंगे तो ये बनेगा t प्लस वन, और जब आप इसे पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा dt टी बाय थ्री, थ्री में बाहर लिया। अब हमें क्या बेनिफिट होगा कि ये दो टर्म सिंगल हैं और बाहर जो पावर है वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि पावर 1/3 थी, और वह पावर 1/3 का मतलब हमें इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंशन बहुत लंबा जाता है, इन खोलना है, खोल के मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ तो लीनियर पावर 1 पावर है ना, यहाँ हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास इसी तरह का 11th क्वेश्चन है, डिवाइड उसमें डिवाइड करना है सेपरेट करके, तो एक मिनट, ये बन जाएगा 1/3 t की पावर 1/3 को जब आप t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 1/3 प्लस 1, और जब 1 से करेंगे इट विल बी t की पावर 1/3 dt टी आ जाए, ओके। ये बन जाएगा 1/3 इंटू t की पावर 3 बन जाए 3 प्लस 1 4/3 dt, मैं सेपरेट कर रही हूँ, प्लस 1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे
वन बाय थ्री टी की पावर वन बाय थ्री डी टी। आप यहाँ एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, तो थोड़ा मैं शॉर्ट कर रही हूँ, मुझे फिर पेज टर्न करना है। तो टी इज टू पावर सेवन बाय थ्री बाय सेवन बाय थ्री, सेवन बाय थ्री का बन जाएगा थ्री बाय सेवन, वन बाय थ्री का बन जाएगा वन बाय थ्री प्लस वन, यानी कि फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री को उल्टा करेंगे थ्री बाय फोर टी की पावर फोर बाय थ्री प्लस सी, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा। टी को आप यहाँ से जो हमने पुट किया था ऊपर एक्स क्यूब माइनस वन यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो प्लीज़ फर्दर सॉल्व योर सेल्फ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, 13, 14 बहुत इजी हैं, 15 भी इजी हैं। इन तीनों के मैं आपको आइडियाज़ लिख के दे रही हूँ कि कैसे आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय टू प्लस थ्री एक्स क्यूब का क्यूब डी एक्स। ओके, डिनोमिनेटर को आप टी पुट कर लीजिए, क्यों कर लीजिए भाई, टू का तो जीरो हो जाएगा, थ्री एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जब करेंगे तो पावर डिक्रीज होकर क्या बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वेयर, ये हमारा डी टी में बदल जाएगा और ये हमारा पावर सिंगल रह जाएगी, टी की पावर थ्री ऊपर चली जाएगी, जो भी कांस्टेंट है वो आप बाहर लेंगे। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट कि पुट टू प्लस थ्री एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये आप खुद करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, ये है हमारा वन बाय एक्स लॉग एक्स की पावर एम डी एक्स। देखिए कितना ईजी, लॉग एक्स को पुट कर दीजिए, ये डी टी, टी की पावर एम ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस एम हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। तो ओनली आई विल सजेस्ट यू दैट पुट लॉग एक्स। ओके, देन कम टू द 15th क्वेश्चन, इट इज एक्स बाय नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वेयर। कितना ईजी है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स में जाता है। देखिए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स नहीं होता है, ये नहीं कह रही मैं, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो टू एक्स होता है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स में जाता है, मतलब एक्स मिलेगी उससे हमें पावर जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो भी कॉन्स्टेंट है वो इधर उधर करके आप इजीली कर सकते हैं। यू विल जस्ट पुट नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, गॉट इट। तीनों क्वेश्चन का आपको ये हिंट समझ आया। कम टू द 16th क्वेश्चन, 16th अब हमारा e की पावर में है। तो 16th क्वेश्चन हमारा क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट e की पावर 2x प्लस 3 dx। ओके, 2x प्लस 3 dx, भैया e की पावर पहले भी आ चुकी है, लेकिन वो डायरेक्ट था, e की पावर x dx क्या बनता था, e की पावर x प्लस c। यहाँ से अब हम क्या फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, e की पावर ax प्लस बी हो, ax प्लस बी का मतलब कोई लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ से पहले हम पुट करके ही करेंगे, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी डेवलप कर देंगे, बता देंगे भी ऐसे। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट, अब किसको पुट करें, इसको कर दीजिए, ये पावर बड़ी है ज़्यादा है तो 2x प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, टी पुट कर दिया। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 डी एक्स, 3 का 0 इज इक्वल टू डी टी, और आई कैन राइट एज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2। कम टू द आई पर अब आप ध्यान दें तो ये है ई की पावर 2x प्लस 3, ये बन जाएगा ई की पावर टी, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी बाय 2, उस बाय 2 को मैंने बाहर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, ई की पावर टी विद डी टी, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय 2 ई की पावर टी प्लस सी, टी को रिप्लेस कर दो किससे, 2x प्लस 3 से, तो ये बन जाएगा ई की पावर 2x प्लस 3 प्लस सी। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें कि e की पावर 2x प्लस 3 dx क्या बन गया, e की पावर 2x प्लस 3 बाय 2 प्लस सी, थोड़ा सा चेंज, इसका डेरिवेटिव ये खुद ही आ गया, सिर्फ एक चेंज आया है कि जो x के साथ अगर 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट है तो वो नीचे आ गया। तो इसको हम एज ए रिजल्ट यहाँ नोट करेंगे कि e की पावर ax प्लस b dx क्या होता है,
ई की पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस में सी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं पिछला एक फॉर्मूला और लिख दूँ जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन में किया था, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। ये भी थोड़ा ध्यान दें, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या बन जाएगी, एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, और ये जो कोफिशेंट है वो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना इम्पोर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज इस मेथड से पाए हैं। हमने सिकेंट का, कॉसिकेंट का, टेंजेंट का, और भाई कोटेंजेंट का, और भाई हमारा ये जो है ई की पावर ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का, कितने सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ से डेवलप किए हैं, हमें मिले हैं, जिन्हें अब हम आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे बिना किसी सब्स्टिट्यूशन। ओके, 17th क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू एक्स बाय ई की पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ई को देखना ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए ई को भूल जाओ, एक्स स्क्वेयर को देखो। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स बनता है, एक्स का इंटेग्रल एक्स स्क्वेयर बनता है। तो क्या कीजिए, पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, ये क्या हो जाएगा भाई, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ से काट के इसको यहाँ ले जाए तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाय टू। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स डी एक्स कंप्लीट डी टी बाय टू, और ये ई की पावर टी, तो ये तो बन जाएगा डी टी बाय टू हमारा बाहर, और ये बन जाएगा e की पावर t। ये दो बार लग गया इंटीग्रल का साइन, ये क्लियर। तो ये हमारा बन जाएगा 1 बाय टू, देखिए अब इस पावर को आप ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी डी टी। और हमारे इस लास्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रल e की पावर माइनस टी ही होगा, बट मैंने ये बताया कि टी के साथ अगर कोई कोफिशेंट अदर देन वन है, दिस इज नॉट वन, दिस इज माइनस वन, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा प्लस, ये माइनस को इससे एडजस्ट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस वन बाय टू e की पावर माइनस टी प्लस सी। टी को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। आया समझ में? तो ये बड़ा ईजी था। नाउ 18th भी इसी तरह का है, ई की पावर में ही। कम टू द 18th क्वेश्चन, ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। देखिए इसको थोड़ा सा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि जल्दी है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में करके कमेंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सी बात है जो हमारी छोटी क्लासेज में आ जाता है कि भाई मेरे पास 3 बाय 5 है तो मैं इसे 3 इंटू 1 बाय 5 भी लिख सकता हूँ ना भाई। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है, तो बच्चे क्या करते थे भाई, 1 लगा देते थे, 3 वन जा 3, 1 5 जा 5। तो ऐसे मैंने यहाँ ब्रेक किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग ले गई तो ऊपर 1 तो आएगा ही आएगा। अब फिर वही डिफरेंशिएशन की बात आ जाती है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, देन यू विल, ये जो मैं एरो लगा रही हूँ इसका मतलब यहाँ पर हमारी क्या चल रही है, डिफरेंशिएशन चल रही है। ये बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। गॉट इट? समझ आया ये आपको? तो अब आप जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो और भी ईजी हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा यहाँ से देखेंगे हम इस स्टेप से कि I इज इक्वल टू ई की पावर टी, और ये कंप्लीट टर्म हमारी क्या बन गई, डी टी। सॉल्व कर लीजिए इसका, कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस हमें आइडिया लेना होता है थोड़ा सा, उसके बाद ही हमारा ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी है, जब आप आगे जाएंगे आप देखेंगे तो इसी मेथड से आपका वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 19, I इज इक्वल e की पावर 2x माइनस 1 बाय इज टू पावर 2x प्लस। थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को, हम क्या करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल है। आप कहेंगे जी कैसे आइडियली, आपने तो देखिए
अगर हम पहले अपना जो जनरल मेथड है सब्सटीट्यूशन का उसी को अप्लाई करके देखते हैं, मे बी कि वो कामयाब हो जाए। तो हम क्या करें, मैं डिनोमिनेटर को पुट करूँ, अगर e की पावर 2x प्लस 1 को अगर मैं t पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x गुणा में यहाँ 2 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ये है। जबकि हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्या है, e की पावर 2x माइनस 1 है। इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, एक तरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम इसके ऊपर कैसे, देखिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर डी ई एन ओ एम आई एन ए टी ओ आर डिनोमिनेटर बाय ई इज टू पावर एक्स, ऊपर भी ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो और नीचे भी, तो ये हो जाएगा हमारा e is to power 2x minus 1 divided by e की पावर x, ये ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर को किया है मैंने अभी, और डिनोमिनेटर को जब आप करिएगा तो e की पावर 2x plus 1 by e की पावर x dx। देखिए बहुत छोटी सी बात है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करें, सेम टर्म से डिवाइड करें, तो उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे सेपरेट कर देते हैं, ये मैं आपको पूरा एक्सपेंड करके बता रही हूँ, ये नीचे वाली टर्म को आप भूल जाएं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ इनको देखें, इन दोनों टर्म्स को इससे डिवाइड करें, तो e की पावर 2x को e की पावर x से करें, माइनस 1 बाय e की पावर x, देखिए इसके नीचे भी ये आ गया और 1 के नीचे ये हमारा न्यूमरेटर है। कम टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि e की पावर 2x के नीचे e की पावर x आ जाएगा और 1 के नीचे भी e की पावर x आ जाएगा हमारा, ओके 1 के नीचे भी आ जाएगा। तो अब देखिए सेम बेस है, तो डिवाइड करते टाइम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट होकर ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस, ये 1 के नीचे है डिनोमिनेटर में, जब ये टर्म भी ऊपर जाएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा एंड इट विल बी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x को ई की पावर x से करेंगे, वही ई की x ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कैसे, आप ध्यान दें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ई की x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे e की माइनस एक्स के आगे माइनस आएगा, तो ये ऊपर वाली टर्म डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन गई है। तो पुट e की पावर x प्लस e इज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग ये बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारा आ जाता है कि dx वगैरह ये कैसे आया, तो ये माइनस यहाँ एडजस्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस e इज टू पावर x माइनस e इज टू पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, जहाँ हमने पुट किया इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नेम कर दें, dx वाली टर्म को 3 कर दें। तो थोड़ा आप पहले देखिए, पुट करने से पहले ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, यानी ये कम्प्लीट डिनोमिनेटर तो टी में बदल गया, और ये ऊपर की देखिए ये टर्म और ये टर्म अगर हम कंपेयर करें सेम है, भाई वहाँ ब्रैकेट नहीं लग रही है, ब्रैकेट लगा दी मैंने, ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, डी टी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी डी टी। तो जो हमारा आई है पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो जो आई है हमारा वो क्या बन जाएगा, डी टी बाय टी और 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी क्या होगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, क्लियर, लॉग मॉड टी प्लस सी, टी को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, टी हमने क्या रखा था, टी हमने ये रखा था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी, ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर से एक बार हल्का सा रिपीट कर दूँ जल्दी से, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे टर्म्स को, सेपरेट करके ये न्यूमरेटर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर डायरेक्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। इसका मैंने एक फंडा और भी आपको बताया था, एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ
एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स हो तो वो ऑलवेज लॉग में बदलती है। लास्ट वीडियोस में मैं ये बात बता चुकी हूँ। तो ये डायरेक्ट भी है क्वेश्चन, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? अदरवाइज आप इसको पुट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, देन यू विल। एंड 20th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू विल नाउ डू योर सेल्फ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर हमारे पास टू और एड हो गया है। तो वो टू आप देख लीजिएगा कि अब कैसे आप एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसे गायब कर देंगे, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिवीजन में आएगा। तो ये देखिए, इनका आप पैटर्न देखिए ना दोनों क्वेश्चंस का। एक बार मैं थोड़ा सा नोटबुक को टेढ़ा करती हूँ, कैमरा को थोड़ा। ये देखिए इस क्वेश्चन को और इस, इन दोनों को आप देखिए। वहाँ ई की एक्स है, यहाँ टू एक्स है, वहाँ माइनस एक्स है, माइनस टू एक्स है। मतलब जो टर्म नीचे वही ऊपर है। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव टू ई की पावर टू एक्स बनेगा बस। तो वो टू बाहर आ जाएगा इसमें से भी, तो ये वन बाय टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई योर्स। नहीं आता है देन टेल मी, आई विल गिव यू कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये 20 क्वेश्चन अभी हमारे हुए हैं, मींस हाफ एक्सरसाइज अभी हमने कवर की है, बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।